गुड इवनिंग बच्चों स्वागत है आप सभी का हमारी क्लास में इवनिंग में जो कि हमारी चल रही है पावर ऑफ इंडियन डिफेंस के ऊपर तो एड होते जाइए जल्दी से सेशन से 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 में कम ऑन फास्ट एड होइए जल्दी से मैक्सिमम बच्चों को मैं लिंक सेंड कर चुका हूँ जितने बच्चे बाकी हैं वो लोग इस लिंक को आगे फॉरवर्ड कर दें बाकी बच्चे इस लिंक को आगे फॉरवर्ड कर दें ताकि और भी बच्चों को इसका क्लास लिंक मिलता रहे कम ऑन फास्ट जुड़ते जाइए मैक्सिमम बच्चों तक इस लिंक को पहुंचना चाहिए बच्चों मैक्सिमम बच्चे इस लिंक के थ्रू जुड़े क्लास के अंदर तेज़ी से इसको फॉरवर्ड करते जाएं बच्चों लिंक को मैंने भी और भी सेंड कर दिया है बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है हमारा आज का तो ज़रूरी है ये लिंक मैक्सिमम बंदों तक पहुँचे मेरा लिंक सेंड हो गया है लगभग लगभग लग डेढ़ सारे बच्चे ऐड होते जा रहे हैं आप लोग इस लिंक को और भी डिफरेंट ग्रुप में सेंड कर दो ताकि और भी बच्चे जुड़ते चले जाएं और इस क्लास में मिलने वाली इन्फॉर्मेशन को उन तक भी पहुंचाया जा सके और उनको भी इसका फ़ायदा मिल सके आप उनको भी सेंड कर दीजिए बच्चों तेज़ी से ऑन फास्ट बच्चों तेजी से मैं वेट कर रहा हूँ आप सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों हमारा ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है हेलो जुड़ते जाइए ऑन फास्ट 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 बस okay. स्टार्ट करते हैं क्लास बच्चों आपका इंतजार खत्म हुआ स्वागत है आप सभी हमारे आज इस क्लास में। जो क्लास का हमारे आपके इंटरव्यू को देखते हुए बच्चों ये हमारी बहुत है और हमारी आज चलेगा इंडियन एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स के ऊपर जैसा कि हमारा दो क्लासेस हो चुका है बच्चों और आज भी हमारे एयरफोर्स के ऊपर है फुल्ली अप आ जाइए पुनिष शर्मा प्रीति प्रीति पाल मंजीत सिंह पुनिष शर्मा ठीक है ओके okay, स्वागत है विष्णु प्रिया गुड मॉर्निंग वंदिता हिंद तारू गौरव मनीष मिश्रा गुड इवनिंग प्रांतोष देव वर्मा हेलो लवली टेक्निकल यादव आदित्य सुष्मिता प्रियंका आदित्य कुमार मानसी गोलू मानसी गोलू स्वागत है भाई ओमकार गुप्ता बहुत ही बढ़िया आदित्य उमर गौरव वर्मा हेलो मैक्सिमम सेंड करते जाए बच्चों जितना ज्यादा सेंड करेंगे उतना बच्चा बच्चों तक इन्फॉर्मेशन पहुंचता है तो सबके लिए फायदा होगा चलिए हमारी क्लास स्टार्ट होती है उससे पहले बताऊं बच्चों मेरा नाम है करमवीर सिंह मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है नाइन सेवन नाइन फाइव ट्रिपल वन ट्रिपल नाइन अगर आप लोग चाहते हैं में एडमिशन लेना तो बच्चों मुझसे इस नंबर पे बात कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं ये सारी पीडीएफ भी आपको मिलती रहे तो इन पी डी एफ फिल आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों आपको इस नंबर पर व्हाट्सअप करना पड़ेगा इस नंबर पर व्हाट्सअप करिए और आप पाइए सारी पीडीएफ ये सेम नंबर आपके सामने दे रखा है सॉरी ये नंबर है इस पर आप व्हाट्सएप करिए और आप पाइए पीडीएफ उसके लिए आपको जैसे ही आप इसे व्हाट्सअप करोगे मैं आपको इस टेलीग्राम ग्रुप का लिंक सेंड करूंगा और आप इसमें ऐड हो जाओगे सारे पीडीएफ क्लास लिंक सब कुछ आपको इसमें मिलेगा अन अकेडमी में एडमिशन के लिए बच्चों आपको यूज करने पड़ेगा के वी लाइव रेफल कोड के वी लाइव इस रेफरल कोड को यूज करने पर बच्चों आपको सीधे सीधे टेन डिस्काउंट मिलता है इसको यूज करने पर सीधे सीधे आपको टेन डिस्काउंट मिलेगा बच्चों याद रखेगा इस रेफर कोड में किसी भी आप जॉब में किसी चीज को लेकर के आप एडमिशन ले सकते हो चाहे वो कोई भी सेक्शन हो रेफर कोड आपका लाइव होना चाहिए ये याद रखिए बच्चों एग्जाम की डेट क्लियर है एग्जाम हमारा सर पे लगा हुआ है तो बहुत ही जरूरी है कि अब हम लोग एक्टिव हो जाए अपनी तैयारी को लेकर ले के ठीक है चलिए मेरे बार जान लीजिए बच्चों मैंने बी एस सी बी एर लॉ कर रखा है एम ए इकोनॉमिक से किया हुआ है यूपी पुलिस में छह साल मैंने जॉब करी है बच्चों और आठ साल से मैं जीएस पढ़ा रहा हूँ इंडिया के डिफरेंट सिटीज में दो लाख से ऊपर बच्चों को मैं क्लासेस प्रोवाइड कर चुका हूँ बच्चों जैसा लेकर डेली बुनिका वाराणसी कानपुर कोलकाता जयपुर इंदौर ग्वालियर पटना गाजियाबाद नोएडा ढेर सारे शहर है जहां पर मैं क्लासेस प्रोवाइड कर चुका हूँ कम ऑन फास्ट जुड़ते जाइए बच्चों अंकुश आयुष जुड़ते जाइए नानू गुड इवनिंग नानू सर दस पैंतालीस पर, पर क्लास है बिल्कुल है पुनीत शर्मा बिल्कुल है बिल्कुल है बिल्कुल है पुनीत जुड़ते जाइए ओके चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट तो बच्चों अन अकेडमी में एडमिशन लेने के लिए 12 महीने का फीस अट्ठासी सौ रुपए है अगर आप चाहते हैं एडमिशन लेने के लिए तो केवी लाइव डाल करके अप्लाई कर दीजिए के वी लाइव लिखिए और अप्लाई कर दीजिए जैसे आप केवी लाइव करोगे बच्चों आपकी फीस हो जाएगी सेवन नाइन टू जीरो तो रेफरल कोड याद रखिएगा के वी लाइव आपकी फीस में किसी भी सेक्शन में एडमिशन लीजिए यूपीएससी सी एस सी, सी कहीं पर भी सीधे आप टेन परसेंट डिस्काउंट पाए बच्चों याद रखिएगा सारे सब्जेक्ट मिलेंगे आपको सारे सब्जेक्ट मिलेंगे पढ़ने के लिए एक भी सब्जेक्ट बाकी नहीं रहेगा बच्चों मेरा एक हैंड्रेड क्लास चल रहा है एमसी का रात में दस पैंतालीस पर बच्चों इसको जरूर आप लोग देखेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास रहता है फ्री ऑफ कॉस्ट जिसको भी इस क्लास का लिंक चाहिए इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दें नाइन सेवन नाइन फाइव ट्रिपल वन ट्रिपल नाइन क्लास मेनली सी एपीएफ सी डी एस और एफकेट जैसे एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास मानी जाती है बच्चों ये बेहद इंपॉर्टेंट क्लास है हमारी टेक्निकल यादव कह रहे हैं वॉइस थोड़ा स्लो है तो आप स्पीकर लगा लीजिए स्पीकर खोल लीजिए स्पीकर लगा लीजिए और खोल लीजिए ठीक है टेक्निकल यादव चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग गुड 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 इवनिंग 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 स्टडी अप्रोच भाई टेक्निकल अंकुश नानू बच्चों एक मेरी क्लास हुई थी पंद्रह तारीख को बहुत ही धांसू क्लास हुई थी बच्चों ये हमने इसमें अभिनंदन के बारे में बात किया था अगर आप बीइंग इंडियन आपको ये क्लास जरूर देखनी चाहिए और पूरी देखनी चाहिए ये आपके लिए बहुत ही जानकारी वाली और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों ये अभिनंदन के ऊपर हमने क्लास रखी थी ठीक है जिसको भी इस क्लास का लिंक चाहिए मुझे व्हाट्सअप कर सकता है दूसरा इसके बाद हमने क्लास रखा था बच्चों जो कि हमारा 16 तारीख को हुआ था सिक्सटीन को ये पावर ऑफ इंडियन डिफेंस इसमें हमने बात किया था बच्चों राफेल का बात किया था मिराज का बात किया था जगवार का बात किया था और हमने सुखोई का बात किया था ये खुद में बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है बच्चों इसको आप देख सकते हैं राफेल जैसा कि आप जानते हो इंडिया का सबसे ज्यादा इस समय हाईटेक में प्लेन में राफेल माना जाता है इस क्लास में हमने डिस्कस किया है इसके बाद बात करते हैं बच्चों हमारी लाइव सेशन की तो हमारा आज का लाइव सेशन है पावर ऑफ इंडियन डिफेंस के ऊपर चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की क्लास एल ए सी तेजस से आज स्टार्ट होता है एल ए सी तेजस से यह हमारा क्या है बच्चों द हैोल लाइट एयरक्राफ्ट जिसका नाम है तेजस इज एन इंडियन सिंगल सिंगल इंजन इंजन फोर्थ जनरेशन मल्टी रोल लाइट फाइटर डिजाइन बाई एरोल डेवलपमेंट एजेंसी एडीए एंड हिंदुस्तान एरोनोटिकल लिमिटेड फॉर द इंडियन एयरफोर्स एंड इंडियन नेवी ये इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों के लिए क्यों है बच्चों क्योंकि ये लाइट कॉम्बैक्ट एयरक्राफ्ट है एलसीए लाइट कॉम्बैक्ट एयरफोर्ट तो फिर ये क्या हो सकता है बच्चों ये जो शिप है हमारा शिप जो कि एयरक्राफ्ट जहां एयर उतरते हैं एयरोप्लेन उतरते हैं उनके लिए ये बहुत ही बेहतर है क्योंकि ये लाइट वेटेड है बच्चों इसकी तो सबसे बड़ी बात है कि ये लाइट वेटेड है चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग तो इसके हम देखें बच्चों क्या है इसके बारे में सबसे मेन चीज है ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोग बाद में देखते रहना इसका वेट 9800 एट हंड्रेड के जी वेट है बच्चों मैक्सिमम स्पीड कितनी है मैक 1.8 पॉइंट एट मैक वन पॉइंट एट का मतलब है बच्चों कि एयर में जो साउंड की स्पीड होती है उससे भी ये वन पॉइंट एट गुना तेज ठीक है रेंज कितनी है बच्चों 1850 किलोमीटर इसका रेंज है याद रखिएगा आइए देखते हैं तेजस के भी तेजस दिखता कैसा है ये है आपके सामने तेजस में हट जा रहा हूँ सामने से बच्चों लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस से बच्चों ये स्पेशली शिप्स में भी लैंड कर जाता है इस चीज को याद रखना और ये हमारे लिए सबसे ज्यादा फोर्थ जनरेशन का माना जाता है बच्चों ये प्लेन और बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारे एयरफोर्स में और इंडियन नेवी में बच्चों याद रखेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस आर्माट मतलब होता है इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं बच्चों तेजस के अंदर आइए देख लेते हैं तो गन हमारी कितनी है एक है ट्वेंटी एम mm की ट्विन बैरल बच्चों है नेक्स्ट हमारा क्या है गन अगर हमने गन की बात कर ली यानी कि हम कैनन देखे बच्चों रॉकेट एसेट रॉकेट पॉड से बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट चीज है हार्ड पॉइंट कितने इसमें हार्ड पॉइंट है एट बच्चों जल्दी से बताओ मैंने रफेल में कितने हार्ड पॉइंट बताए थे बताइए बताए थे मैंने तेजी से बताइए बच्चों रफेल में मैंने कितने हार्ड पॉइंट बताए थे आदित्य कह रहे हैं चौदह ठीक है ठीक है ठीक है, है ओके राइट 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 बिल्कुल राइट ये हार्ड पॉइंट जिन बच्चों को नहीं पता है मैं दिखा देता हूं. कितने बच्चों राफेल में हार्ड पॉइंट फोर्टीन है याद रखिएगा फोर्टीन और इसमें कितने हैं एट पॉइंट है ठीक है इस चीज पे याद रखिएगा तो देखिए आपके सामने एक सीन दिख रहा है किस तरीके से मिसाइल जो सेट होता है ये आपके सामने दिख रहा होगा ये पिक मिसाइल के बारे में बात कर लेते हैं इसका नाम क्या है जो कि ये फिट होता है है इसमें इस मिसाइल का नाम है बच्चों डबल ये मिसाइल जो हमारी लगती है बच्चों किसके अंदर देखिए तेजस के अंदर तेजस के अंदर जो मिसाइल हमारी वर्क करती है बच्चों आखिर ये मिसाइल का रोल क्या है पावर क्या है किस कंट्री की आई है हम लोग ये जानते हैं तो ये मिसाइल बच्चों हमारी इसराइल से बनी हुई मिसाइल है बच्चों याद रखिएगा और इसके अंदर देखिएगा सबसे मेन चीज क्या है कि इस मिसाइल का टोटली पावर वेट देखिए 105 तो केजी वेट है इसका वॉरहेड ग्यारह के है रेंज इसकी मोर देन 20 किलोमीटर है स्पीड मैक फोर है मैक फोर मतलब हवा में साउंड की स्पीड से चार गुना हवा में साउंड की स्पीड से चार गुना ये इसकी स्पीड दे है बच्चों याद रखिएगा ये मैक फोर स्पीड शो करता है वेलकम आईना वर्मा सभी लोग का स्वागत है तो एक और मिसाइल की बात कर रहे हैं बच्चों आसराम ये भी लगता है हमारा तेजस के अंदर देखिए इसमें क्या है बच्चों एडवांस शॉर्ट रेंज मिसाइल है एयर टू एयर एडवांस शॉर्ट रेंज एयर टू एयर मिसाइल इसकी फुल फॉर्म है बच्चों मैन्युफैक्चर एमबीडीए के द्वारा होता है और इसका सबसे मेन चीज क्या है स्पीड कितनी है मैक थ्री इसकी स्पीड मैक थ्री है इस चीज को याद रखिएगा ये मिसाइल बच्चों बहुत ही घातक मानी जाती है हमारे लिए इसके आगे लेंस है जो कि टारगेट को लेजर की तरह बहुत तेजी से शूट करता है बच्चों ये काफी ज्यादा घातक मिसाइलें मानी जाती हैं और ये सारी चीजें आपके लिए लाइफ में बहुत आगे काम आएंगी चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं बच्चों अगली स्लाइड पर आते हैं आर्मामेंट कहाँ फिट होते हैं जैसे कि हमने बताया था तो आपके सामने पॉइंट देखिए बच्चों कहाँ पर फिट होते हैं चार्ट साफ साफ मोबाइल में देख रहा होगा आप लोग को देखिएगा बच्चों नंबर ये हमारा लोड लिमिटेड है यहाँ पर डेढ़ सौ के जी का इस तरफ है बच्चों और इस तरफ डेढ़ सौ के जी का है देख लीजिए एट हंड्रेड के जी एट हंड्रेड के जी ट्वेल्व हंड्रेड के जी ट्वेल्व हंड्रेड के जी सेंटर पे ट्वेल्व हंड्रेड के जी इधर टू हंड्रेड के जी बच्चों देखिए इस तरीके से हम अर्मानवेंट सेट करते हैं और कौन कौन से अर्बानेंट है आपके सामने शो हो रहा है देखिएगा यहाँ पर बीबी -बी राम एस आर एम फ्यूल एस एम एल डी पी बॉम्ब एल डी पी रेस एस बी टी ये आपके सामने सारा दे रखा है स्पेशली हरमोमेंट कौन कौन सा सेट होता है तो बहुत ही घातक माना जाता है बच्चों ये हमारे सामने खैर ये सब तो आपको ये वाला पार्ट तो खैर ट्रेनिंग में बताएंगे अगर आप ट्रेनिंग में जाते हो लेकिन बेसिक चीजें जो आपको सी ए पी एफ में या एफ कैट में या एस एस बी में जरूरत पड़ेगा तो उसको आपको जरूर पढ़ना पड़ेगा नेक्स्ट देखिए बच्चों हम दिखाते हैं आपको मिसाइल्स के बारे में

किलोमीटर ये दे रखा हुआ है और कैटी नमकी टू एव किलोमीटर मैक्सिमम स्पीड कितनी बच्चों सेवन टू पॉइंट मैक ये आपके सामने स्पीड दे रखी है बच्चों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग ब्रह्मोस बहुत ही इंपॉर्टेंट मिसाइल है बच्चों ये ब्रह्मोस एयर लॉन्च मिसाइल ये आपके सामने है सबसे घातक मिसाइल देखिए ब्रह्मोस आपके सामने लगी हुई है और ये दिखाई भी गई थी स्पेशली सबसे खतरनाक मिसाइल मानी जाती है बच्चों ब्रह्मोस हमारे बीच में सबसे खतरनाक ब्रह्मोस मिसाइल मानी जाती है आइए देखिए आखिर ब्रह्मोस मिसाइल का फर्क क्या है ब्रह्मोस मिसाइल बच्चों देखो इसका मास कितना है ढाई हजार के है बच्चों लेंथ कितनी है एट मीटर और वॉरहेड कितना है 200 सौ के जी का न्यूक्लियर वॉरहेड है बच्चों इसमें सबसे मेन पॉइंट ये है कि ये परमाणु बम कैरी करने में सक्सेसफुल है यानी कि हम ब्रह्मोस मिसाइल के थ्रू हम परमाणु बम किसी भी देश में गिरा सकते हैं ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा प्लस पॉइंट है वॉरहेड बच्चों फ्रंट की बात करता है जहां पर एमिनेशन होता है हमारे लिए ये ये तो सबसे मेन चीज क्या है बच्चों कि ये हमारे लिए परमाणु कैरी कर सकता है तो सबसे खतरनाक चीज बच्चों ये मानी जाती है ब्रह्मोस को लेकर के तो आप खुद देख सकते हैं जैसा कि मैं आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं एरमेंट को लेकर के लेकिन हाँ एक चीज देखिएगा बच्चों आप लोग ये जो खतरनाक खतरनाक मिसाइलें हैं तो इसको देखते हुए हम बिना बात के अपने इंडिया को कमजोर समझते हैं अच्छो अच्छो का इलाज कर सकता है भारत बच्चों अच्छो अच्छो का इलाज कर सकता है इस चीज को याद रखिएगा चलिए बच्चों तीन सौ के जी का हमारा क्या है इसमें देखिएगा एयर लॉन्च द इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री और नेक्स्ट ऑपरेशन रेंज कितनी है पांच सौ किलोमीटर पांच सौ किलोमीटर मैग्स कितनी है मैक थ्री यानी कि हवा में तीन गुना तेज रफ्तार बच्चों आपके सामने वर्ल्ड बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल रशिया और इंडिया के साथ बना है देखिएगा वर्ल्ड बेस्ट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है ब्रह्मोस आपके सामने इसकी पिक दिख रहे हो बच्चों प्राउड करिए प्राउड करिए कि इंडिया के सामने यह, यह चीजें हैं ठीक है आप इस चीज को बहुत ही गर्व का पल है इस चीज को आप देख सकते हैं नेक्स्ट द न्यू तेजस अब हम बात करने जा रहे हैं न्यू तेजस की लॉन्ग अवेटेड इंडिजिनियस फाइटर तेजस एम के इलेवन विच विल बी मैनुफेक्चर गोइंग टू प्रोडक्शन बाई टू थाउजेंड ट्वेंटी फाइव टू ट्वेंटी सिक्स

आर्ट्सो पर ग्रोज़ स्पीड टू इंजन के साथ हमारे सामने बच्चों आने जा रहा न्यू ट्विजर्स बहुत ही ज्यादा ये हमारे लिए बेहतर बात है आने वाले समय के लिए हमारी एयरफोर्स के लिए बहुत ही गर्व की बात है तो बच्चों आप लोगों से मैं एक ही बात बोलूंगा आप लोग जैसे कि मैं स्लाइड दिखाता हूं आज इसके अलावा हटके देखिए जस्ट अ मिनट बच्चों स्लाइड स्टॉप हुआ एक मिनट वेट करिएगा वेट करिएगा चलिए मैं आपको कुछ पिक्स दिखाना चाहता हूँ अगर इसके अंदर वो पिक्स रहेंगे तो मैं आपको शेयर दिखाऊंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्स हैं बच्चों आपके लिए वो। वो हैं तो अच्छा है दवाई हम इसको, इसको स्टार्ट कर देंगे ठीक है जस्ट बच्चों। एक मिनट वेट करेगा बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक्स है वो बच्चों अपने आप में बेहद जरूरी है चलिए अभी हम इसको स्टार्ट रखते हैं वो पिक्स अभी कैरी कराते हैं एक्चुअली मैं आपको पिक दिखाना चाहता हूँ किसकी मैं आपको पिक दिखाना चाहता हूं बच्चों राफेल की, बच्चो। uh, की uh, मिरास की इन सब की पिक दिखाना चाहता हूं और ये आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा जैसे आप इनकी पिक देखो तो आप खुद बोलोगे हाँ सर आपने गजब चीज दिखाई क्योंकि आप लोग शायद उस बैच में नहीं आए थे आप थे मैक्सिमम बच्चे उस बैच में नहीं आए थे इस चीज को याद रखिएगा बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो उस बैच में नहीं आए थे तो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट पिक है वो चलिए ज्वाइन करते हैं बच्चों करमवीर सिंह नाइन सेवन नाइन फाइव ट्रिपल वन ट्रिपल नाइन जो नए बच्चे जिसको भी इन सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए इस नंबर पे कर दें एडमिशन लेना चाहते हैं तो के वी लाइव रेफेल कोड का इस्तेमाल कर लें आइए अपनी स्लाइड पर पहुंचते हैं बच्चों जो भी बच्चे लेट आए वो ये सब चीज मिस कर चुके हैं वो ये है, सारी जानकारियां मिस कर चुके हैं और जल्दी ये सब जानकारियां मिलती है बच्चों इस चीज को और याद रखिएगा तो इस स्लाइड के बाद हम लोग बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ देखिए बच्चों एक पिक्चराइज डरबी एयर टू एयर मिसाइल इज बाय आईएफ एलसीए तेजस तेजस के द्वारा एक मिसाइल बच्चों छोड़ी जा रही है आपके सामने देखिए स्क्रीन में लोग साफ साफ देख रहे हट जा रहा मैं हूं साइड में जो कि डरबी मिसाइल है बच्चों खुद में बहुत ही खतरनाक है बहुत ही खतरनाक है बच्चों प्रैक्टिकली ये सीन देखिएगा आपको मैं दिखा रहा हूं बच्चों ठीक है प्रैक्टिकली आपके सामने आप लोग देख रहे हो कि कितनी किस तरीके से डर भी छोड़ा जा रहा है तो बच्चों ये बहुत जरूरी है आप लोग देखिएगा है, तेजस दे दे तेजस फाइबर ग्लास विद प्रोवाइड स्टील कैपेबिलिटीज टू गुड आदित्य देखिएगामर बेहतरीन जानकारी के साथ आपने सही जानकारी दी है तो कितने बच्चे कई बच्चे ऐसे होंगे जो उस क्लास में नहीं आए होंगे जो मेरी पुरानी क्लास मिस हो गई होगी तो मैं चाहता हूँ उसकी एक झलक स्लाइड देख लो कि हम लोग क्या क्या छोड़ चुके हैं वो आपको पढ़ना है बच्चों मैं आपको स्लाइड दिखाता हूं बच्चों क्या क्या चीज़ आपको पढ़नी है जस्ट अ मिनट वेट करेगा बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है वो हमारी मेरी बहुत इच्छा है कि आप लोग को वो स्लाइड दिखाई जाए इसलिए मैं इस क्लास को चाहे जिस हद तक रोक सकूंगा रोकूंगा लेकिन आपको वो वाली स्लाइड जरूर दिखाऊंगा देखिए बच्चों मैं हट रहा हूं सभी लोग जितने भी नहीं बच्चे बच्चों ये हमारा फोर्स का पहला क्लास था मैं स्लाइड के अंदर हट चुका हूं ये पहला क्लास था जो आप लोगों ने मिस कर दिया सभी के सभी देखिए देखिए ध्यान से बच्चों आपने क्या मिस किया है सबसे पहले आपने मिस किया है हमारा वह घटना जो राउंडल और फिन फ्लैश को शो करता है इंडियन एयरफोर्स के फ्लैग को शो करता है ये हमारा इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग है जो बच्चों आपने पहली क्लास में छोड़ दिया है मैं स्क्रीन के सामने से हटा हुआ हूँ आप लोग देख सकते हो बच्चों ये इंडियन एयरफोर्स का फ्लैग है एक राउंडल बना हुआ है एक फ्लैश फिंच बना हुआ है फ्लैश फ्लैश फिन फ्लैस्ट के साथ और उसके बाद बच्चों हमने इस क्लास में पढ़ा था मिग मिग स्पेस जेट और मिक 29 और मिसाइल एंड आर्मामेंट बाय तो ये सबसे ज्यादा हमारा चर्चा का रहा है क्यों रहा है बच्चों देखते हैं ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय क्यों रहा है ये सबसे ज्यादा चर्चा का विषय किस लिए रहा है आप लोग को पता होगा आप सभी को पता होगा बच्चों कि हमारा हीरो अभिनंदन जो उसने की पाकिस्तान में घुस करके उसके एफ्सोला विमान को गिरा दिया था डैमेज किया था बच्चों वो वह जो एफ्सोला विमान था वो इस मेक्शन 21, ट्वेंटी 21 था बच्चों और उसको उड़ाने वाला बंदा जो था बच्चों वो कौन था हमारा ये हीरो था जिसका नाम था अभिनंदन बच्चों ये है, है हमारा हीरो अभिनंदन बोलिएगा नहीं इसी ने बच्चों वो विमान गिराया दौड़ा करके गिराया था विमान विमान कौन सा था बच्चों देखिएगा ये हमने आपको बताया था पहली क्लास में डॉग फाइट याद करिए डॉग फाइट के बारे में बताया था जब प्लेन दो फाइटर प्लेन हवा में लड़ते हैं तो इसे डॉग फाइट कहा जाता है पहली क्लास में बताया गया था बच्चों देखिए मैं सामने से हटता हूँ डॉग फाइट का सीन आपके सामने मोबाइल पर आ रहा है जवानों उसके बाद हमने कंपैरिजन बताया था मिक का और किसके बीच एफ सोलह के बीच में कंपेरिजन बताया था बच्चों तो देखिए मिक का जो रेंज है बारह है जबकि एफ का बयालीस है मिक की मैगन स्पीड इक्कीस पिछहत्तर है, है तो काफी अंतर है बच्चों लेकिन मिक का जो फायदा है रेट क्लाइम। रेट ऑफ ऑफ क्लाइम क्लाइम मिक का जो है है बच्चों हजार और इसका पंद्रह हजार तो मतलब में ज्यादा ऊंचाई पकड़ना इसमें मिक की खासियत ज्यादा थी बच्चों किस तरीके से अमेरिका की एफ सोलह को डैमेज किया मिक ने उसके बाद हमने ये पढ़ा था एफ सोलह के बारे में बच्चों स्पेशली उसने जो हमारे मिक के ऊपर पहला अटैक किया था वो इस मिसाइल से किया था और जिसमें कि हमारा पायलट अभिनंदन ने अपने को साफ साफ बचा लिया था साफ साफ बचा लिया था इससे पहले अटैक किया गया था बच्चों हमारे मेघ के ऊपर उसके बाद बच्चों देखिएगा मेक का स्पेशली आप सोलह को कैसे चेज किया गया साफ साफ बता रखा है कि जैसे ही पुलवामा में जो हमारे चवालीस जवान मारे गए थे उसके बदले में हमारी सरकार ने एयर स्ट्राइक करी थी बालाकोट वगैरह को डैमेज कर दिया था खिंचा करके पाकिस्तान के 10 एफ सोलह सुबह सुबह आने की खबर मिली तो जैसे ही खबर मिली बच्चों तो देखिए किस तरीके से मेघ ने उड़ान भरी दो मेघ उड़े थे बच्चों ये देखिएगा आपके सामने और साथ ही साथ कुछ सुखोई उड़ाए गए थे और इसके बाद बच्चों क्या देखने को मिलता है हमारा कि ये जो आप बैच देख रहे हो ये बैच उसी के घटना के बाद बना है जो एफ को गिराया गया है उसी के बाद से ये बैच बना है तो किस तरीके से बच्चों मिक का, हमने इसमें अर्मामेंट का बात किया था और इसके कौन -कौन इस सामने बच्चों आपके सामने हो रखा होगा ये हमारा विमान है बच्चों मिग ये देखिए साइड में मिसाइल लगी हुई है व्हाइट कलर से व्हाइट कलर से आप मिसाइल देख रहे होगा जिससे कि अटैक किया गया था बच्चों आपके सामने ये देखिएगा ये लगा हुआ है ठीक है नेक्स्ट देखिए बच्चों ये बात करी थी जगवार की अपनी क्लास में तो मजेदार है और ऊर्जा से भरा हुआ है तो जरूर जुड़िए बच्चों जरूर देखिए ये हमारा फिन फ्लैश है और ये हमारा राउंडल है राउंडल तो जरूर जुड़िए बच्चों देखिए इस सेशन को रेगुलर देखिए एक ऊर्जा से भरा हुआ, से हुआ सेशन है बच्चों हमारा ये और आप लोगों के इंटरव्यू के लिए आप लोगों के इंटरव्यू के लिए आप लोगों के एस के लिए एफ कैट के लिए इन सब चीजों के लिए बहुत ही फायदेमंद है ये सारी हमारी जानकारी बच्चों नेक्स्ट मैंने आपको फिर इसके बारे में जानकारी दी जगवार क्या क्या फंक्शन है क्या क्या नहीं है फिर मैंने जो उसके अंदर मिसाइल्स फिट होती हैं उन सारी मिसाइल्स के बारे में बताया फिर लास्ट में बच्चों मैंने आपको जानकारी दी थी किसके बारे में नेक्स्ट मिग ट्वेंटी नाइन के बारे में जो कि बड़ा भैया है मिट इक्स का ये आपके सामने डुअल इंजन वाला है मिग ट्वेंटी ये खासियत है बच्चों डूल है फिर मैंने जानकारी दी थी मेक ट्वेंटी के साथ साथ फिर मैंने वेट कराया था और कहा था कि अगली क्लास में मैं आपको रफेल बताऊंगा और नेक्स्ट क्लास में रफेल की जानकारी मिली थी रेगुलर जुड़ते रहिए बच्चों अगर आपको एक एक भारत की एयरफोर्स की आर्मी की नेवी की सभी की जानकारी आपको बेहतरीन तरीके से चाहिए तो जरूर जुड़िए जरूर जुड़िए और रेगुलर जुड़िए चलिए आज की स्लाइड में आ जाते हैं बच्चों हमारे जो आज की स्लाइड है बहुत ही इंपॉर्टेंट स्लाइड है चलिए तो कुछ दर्शन किए आपने पिछली स्लाइड होके अच्छा लगा होगा आपको उन दर्शन को देख करके चलिए जवानो आ जाइए अपनी आज की स्लाइड पर आते हैं जैसा कि हमने स्टार्ट किया तो ये वो क्लास थी जो हमने अभिनंदन वाली बताई थी इसको आप लोग जरूर देखिएगा ये अभिनंदन वाली क्लासेस को जरूर देखिएगा इसके बाद हमने इसमें रफेल वगैरह बताया इसको जरूर देखना बच्चों जिसको लिंक नहीं मिलता मुझसे लिंक लीजिएगा मेरा व्हाट्सएप नंबर है नाइन 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 फाइव ट्रिपल वन ट्रिपल नाइन इसमें तुरंत आप लिंक दीजिएगा ठीक है एडमिशन लेना हो तो केवी लाइव रेफरल कोड का यूज करिए आइए बढ़ते हैं बच्चों अपनी आज की क्लास की तरफ हमारी आज की क्लास जो आगे बढ़ रही है धीरे धीरे अब हम आते हैं मिसाइल्स के ऊपर ब्रह्मोस ब्रह्मोस के ऊपर हमारी बात क्लियर हो चुकी है तेजस पे क्लियर हो चुकी है अब डर्बी मिसाइल से एक हमने लाइव अटैक दिखाया है बच्चों ये किसका लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस का किस तरीके से ये डर्बी ये मिसाइल एयर टू एयर मिसाइल से अटैक कर रहा है बच्चों आपके सामने देख रहे होगे स्क्रीन के ऊपर पिक्चर के ऊपर नेक्स्ट देखो शिवांचल द्विवेदी ये सब चीज में वही बता रहा था अभी देखिए ना ये सारी चीजें जो जानकारी चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों बहुत हुआ इंतजार अगला आ गया तेजस म्यूटर मिसाइल किस तरीके से देखिए बच्चों ये मिसाइल यहाँ पर कैरी हो रखा है साफ साफ देखिए बच्चों ये ये हार्ड पॉइंट होते हैं जहां पर मिसाइल कैरी होता है बच्चों हार्ड पॉइंट होते हैं अब ये मेटोर जो है हमारा सबसे घातक मिसाइलों में से एक है जैसा कि आप देख रहे हो किस तरीके से क्लैंपिंग हो रखी है ये देखिए किस तरीके से क्लैंपिंग हो रखी है आपकी पिक्चर में साफ साफ दिख रहा होगा अब सबसे बड़ी खासियत क्या है बच्चों तेजस की तेजस विक्रमादिद। ये नवल वेरिएंट ऑफ लाइट कॉम्बैक्ट तेजस अप्रोचिंग लीडिंग डेक ऑफ आईएनएस विक्रमादित्य ये विक्रमादित्य पर लैंड कर रहा है बच्चों सेफ लैंडिंग कर रहा है इसकी सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये लाइट कॉम्पैक्ट है इसलिए इसको शिफ्ट पर उतारा जा सकता है इसलिए इसको शिफ्ट पर उतारा जा सकता है ये खासियत है ये सबसे बड़ी खासियत तेजस की बच्चों तो आप लोग खुद सोचो बच्चों आप लोग कॉपी किताबों से दूर रहते हो कॉपी किताबों से अलग रहते हो अरे यार क्या करना पड़ के ऐसा वैसा ये हो इन दुनिया में आप भी जा सकते हो इस दुनिया में आप भी आ सकते हो मैं मानता हूं यार चलो मेरा तो समय गया मेरा समय गया मेरे पास हो सिर्फ पछतावा है तुम्हारे हाथ में आज वो सारा समय है कि इस दुनिया में शामिल हो सकते हो तुम्हारे हाथ में समय है कि तुम भी देश के अभिनंदन बन सकते हो लेकिन तुम्हारे अंदर वो जोश वो एक गर्मी होनी चाहिए खून में रातों में नींद उड़ जानी चाहिए यार पहले पढ़ना है पहले पढ़ना है जब सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ आज का कंटेंट पूरा कर लिया तब सोएंगे बच्चों अब आप लोग के साथ प्रॉब्लम क्या आप लोग पढ़ाई तो छोड़ो आप लोग अगर बात करते छोटे से इन्वेस्टमेंट की एडमिशन लेना है आठ हजार रुपए एक साल की फीस है तो आपका अगर द वे मोबाइल टूटता है तो नेक्स्ट डे नया मोबाइल आएगा बीस हजार का लेकिन एडमिशन की बात आ जाती है इसमें सौ बार सोचते हो लेकिन लें अरे बच्चों आपको आठ हजार रुपए का एक साल का मतलब है कि एक महीने का फीस आपको जो बैठा वो साढ़े छह सौ रुपए के आसपास बैठा एक महीने का साढ़े छह सौ रुपए का फीस तो बच्चों नर्सरी और एलकेजी के बच्चों का भी नहीं होता होगा उसमें आपको लेफ्टिनेंट और कैसे कैसे रैंक का हम तैयारी करा रहे हैं और एक हाई लेवल पे आपको नॉलेज दी जा रही है जो ट्रेनिंग में पहले ही आप आधे ज्यादा पा चुके होंगे हमारी क्लास से आइए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट उसमें हम स्लाइड में किस तरीके से नवल तेजस हमारा लैंड कर रहा है ये फिगर है बच्चों लैंडेड सक्सेसफुली होने के बाद उसी तेजस के जो आपके सामने पिक्चर देखी थी आपने तो प्रैक्टिकली एक एक कर्व एक एक, एक सेक्शन आपको हम दिखाएंगे अपनी क्लास में बच्चों कुछ भी छोड़ा नहीं जाएगा इस चीज को याद रखिएगा अपाचे के बारे में अब हम लोग जानकारी लेने जा रहे हैं हेलीकॉप्टर है अपाचे ऑफ क्लाइम कितना है 2800 फीट पर मिनट पर मिनट मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लाइट स्पीड कितनी है? बच्चों डेढ़ सौ नॉर्ट यानी कि 279 किलोमीटर पर आवर 279 किलोमीटर पर आवर ये हमारा रखा है अपाचे का आइए दर्शन करते हैं अपाचे का ये लीजिए बच्चों अपाचे एस सिक्सटी ये आपके सामने बना हुआ है फायर कंट्रोल रडार है इसके अंदर बच्चों फुल एफ आई कैपेबिलिटी है मॉडर्नाइज पायलट नाइट विजन सेंसर भी है पायलट के लिए नाइट विजन सेंसर लगा हुआ है बच्चों मॉडर्नाइज टारगेट एंड एक्जिशन एंडनेशन सिस्टम भी लगा हुआ है एम टू थर्टी थर्टी एम एम चैन ग इसके अंदर फोर विंग माउंटेन वेपन स्टेशन है बच्चों मेन रोटर है इम्प्रूव ड्राइवर सिस्टम ये सब कुछ एक कंप्लीट हाईटेक प्लेन आपके सामने अपाचे है बच्चों देखिएगा आपके सामने ये बना हुआ है उसके बाद हम बात करते हैं अपाचे को लेकर के बच्चों एक हमने प्रैक्टिकली सीन दिखाया है कम से कम कुछ तो आपका खोन कॉले बच्चों कुछ तो देखे किस दुनिया में आप बैठे हुए हो कहाँ पर बैठे हुए हो आप किस जगह बैठे हुए हो आप क्या कर रहे हो आप अब तक क्या नहीं कर रहे हो अरे यार कोशिश करो एक बार हिम्मत करो बच्चों जरूर सेलेक्ट होगे जरूर आओगे छोटा सा इन्वेस्टमेंट करिए और जाइए देश की सेवा करिए अधिकारी बनकर के बच्चों आइए देखते हैं नेक्स्ट अपाचे के नेक्स्ट के बाद बच्चों एक हमने इंजीनियरिंग फॉर्म में बता रखा है कि क्या क्या फंक्शन है क्या क्या नहीं शायद इसको आप लोग रीड ना कर पाओ बत हाँ अगर आप एफकेट के थ्रू जाते हो तो आपको ट्रेनिंग में हो सकता है इसके बारे में जानकारी श्योर दी जाए बच्चों तो आर्नामेंट ऑफ अपाचे के बारे में बात कर लेते हैं कौन कौन से हैं हमारा 130 थर्टी एम का बच्चों चैन गन है जिसमें कि 1200 राउंड है 1200 राउंड है बच्चों 1200 हंड्रेड हाइड्रा सेवनटी बच्चों जिसमें की 70 एम एम एयर टू एयर ग्राउंड रॉकेट है सीआरवी सेवन है बच्चों सेवेंटी मीटर का ग्राउंड रॉकेट है एपी के डब्ल्यू एस सेवेंटी मीटर का ग्राउंड रॉकेट है ये सारे हमारे मॉमेंट है किसके अपाचे के बच्चों देखते जाइए बच्चों आगे और भी जानकारियां बसी हुई हैं हाइड्रा सेवनटी आखिर है क्या या आखिर में हाइड्रा सेवनटी है क्या जो अपाचे के अंदर लगा हुआ है ये हमें यूएसए से मिला है बच्चों हाइड्रा सेवेंटी की सबसे बड़ी खासियत क्या है मैक्सिमम स्पीड की कितनी है चौबीस फीट पर सेकेंड है बच्चों हमारा और मैक्सिमम फायरिंग रेंज कितना है ग्यारह हजार पांच सौ यार्ड ग्यारह हजार पांच सौ यार्ड ये आपके सामने बच्चों देखिए ये आपके सामने अपाचे के अंदर ये लगा हुआ है ये देखिए सामने नेक्स्ट देखते हैं बच्चों हम आगे सीआरवी सेवन सेवन रॉकेट ये आपके सामने ये बने हुए हैं बच्चों देखिएगा अपाचे के अंदर ये रॉकेट बहुत ही खतरनाक है ये पूरी सीरीज है फोल्डिंग फिन गन अटैक रॉकेट प्रोड्यूस बाय ब्रिस्टल और ये हमारा क्या है बच्चों प्राइमरी हाई एक्सप्लोसिव पॉइंट डिटेक्टिंग है बच्चों तो काफी ज्यादा खतरनाक एनिमेशन अपाचे में कितने हार्ड पॉइंट हार्ड पॉइंट फाइटर प्लेन की बात करो अपाचे की नहीं फाइटर प्लेन की बात करो अपाचे, अपाचे की बात ना करिए हार्ड पॉइंट को लेकर के ठीक है तो स्पेशली क्या है बच्चों इसमें देखिएगा क्या देखा है सीआरवी सेवन सेवेंटी रॉकेट आपके सामने ये पिक मैंने में, मेंशन कर दी है अब बात करते हैं फुल्ली अपाचे में क्या क्या है क्रू कितने हैं दो क्रू यानी कि दो सीटिंग पायलट का व्यवस्था है वेट 5.3 टन है और मैक्सिमम कितना है 9.5 है मैक्सिमम स्पीड कितनी है बच्चों 265 किलोमीटर पर आवर सर्विस सेलिंग कितनी है फाइव की रेंज कितना है 407 याद रखेगा बच्चों अब यहां पर देखिए बच्चों सबसे बड़ा फायदा क्या है कि पायलट विजन को लेकर के बहुत बेहतर माना जाता है डिफरेंट रॉकेट्स हैं जैसे कि एम वन फोर्टीन एजीएमटी टू सी आरबी सेवनटी हाइड्रा सेवन एम नाइनटी टू एम नाइन थर्टी एम 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 टू नीचे देखिए बच्चों गन लगी हुई आपके सामने ही दिख रहा होगा ये आपके सामने शो हो रहा होगा बच्चों उसके बाद आई एच डी एस ट्वेंटी वन इसके अंदर देखिए टू जनरेशन इलेक्ट्रिक वन सेवन टी जी टर्पो शाफ्ट एटीन हंड्रेड एस पी का हमारे इसके अंदर जो है इंजिन को दे रखा है तो बहुत ही खतरनाक और घातक आपके सामने बच्चों यह अपाचे का हेलीकॉप्टर मिला हुआ है हमें यूएसए से आइए अब अपाचे के बाद बच्चों हम देखते हैं इसके अंदर एम ए आई एम 92 स्ट्रिंगर जो कि इसके अंदर फिट हो रखा है और ये मिसाइल बच्चों देखिएगा लेंथ 1.52 मीटर है स्पीड 2.2 मैक है रेंज 8 किलोमीटर है बहुत कम समय में बहुत तेजी से मैं बहुत डाटा बोलता चला जा रहा हूँ डाटा इतना लेके आया हूँ बच्चों इतना लेके आया हूँ कि एक क्लास छोड़िए सौ क्लास से कम पड़ जाएंगे आप लोग बने रहिए साथ में आप लोग बने रहिए वन पॉइंटर वन कलर ठीक है yes, one partner, one आप लोग बने रहिए साथ में और इस तरीके से ये जैसी पीडीएफ आपके पास पहुंचेगी तो टॉप रहेगा आराम से पढ़िएगा मेरा तो काम है फ्लैश करना आपके सामने से कंटेंट ठीक है तो बच्चों ये एक आपके सामने इंटरनल पिक आ गई है पाचे की मैं सामने से हट चुका हूं देख सकते हैं इस पिक का आपका तो खैर कोई मतलब ही नहीं बनता तो ये अपाचे के बारे में बात किया हमने आज और तेजस के बारे में बात किया कल हमारे और भी फाइटर प्लेन आएंगे चलती चाल में के इस क्लास में क्लास मिलते रहिए सभी सभी के पूरी जोशो खरोश के साथ बच्चों मिलते रहिए यूट्यूब में सभी जोशो खरोश के साथ और आप सभी को अगर एडमिशन लेना है बच्चों तो याद रखिएगा के भी लाइव रफेल कोड यूज करिए इसमें आप पाएंगे अपनी फीस में टेन डिस्काउंट और अनकेडमी के प्लस बैच में इकोनॉमिक्स पढ़िए जियोग्राफी पढ़िए पॉलिटी पढ़िए करंट अफेयर पढ़िए कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी जीएस क्वालिफाई होगी बच्चों बस साथ बने रहिए 20 दिसंबर तक याद रखिएगा बच्चों 20 दिसंबर तक मिलते हैं बच्चों कल इसी टाइम पर आप सभी के साथ और अभी हमारा 10:45 पर एमसीक्यू सेशन में जरूर ज्वाइन करेगा सभी लोग जिसको भी इस सेशन का लिंक चाहिए इस सेशन का जिसको भी लिंक चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास है तो इस नंबर में व्हाट्सएप कर सकता है 9795 ट्रिपल1 ट्रिपल9 ये फ्री ऑफ क्लास है बच्चों एमसीक्यू सेशन है देखिए जरा आपने क्या तैयारी करी आपके तैयारी का लेवल क्या है इसका लिंक पाने के लिए इस क्लास में आप व्हाट्सएप व्हाट्सएप करिए इस नंबर पे मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूँ ठीक है मैं आपको लिंक प्रोवाइड करता हूं चलिए मिलते हैं बच्चों 10:45 पे क्लास के ऊपर बताइएगा क्लास कैसा लगा आज का आपको ऊर्जा होना चाहिए जान होनी चाहिए सपनों में बच्चों जिंदा तो जानवर भी रह लेता है इस चीज को याद रखिएगा ठीक है एक बहत्तीन कंटेंट के साथ बच्चों हम लोग फिर मिलेंगे कल इसी टाइम पर चलिए थैंक यू बच्चों आप सभी को जय हिंद